सो आफ्टर डिस्कसिंग के फैक्टराइजेशन क्या होती है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है एच किस तरह कैलकुलेट किया जाता है बोथ फ्रॉम द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द डिजन मेथड अब हमने करनी है एक्सरसाइज फोर ए ताकि हम इन सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें और यूटिलाइज कर सकें तो अगर हम अपना पहला क्वेश्चन देखें फोर ए का दैट इज़ फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अब उन्हें आपको सर्टेन नंबर्स दिए हुए आपने उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है ये कि किस तरीके से होगी आए चल के देखें तो क्वेश्चन नंबर वन के पहले दो जो पार्ट्स हैं वो हम मिलकर कर लेते हैं एंड एंड रिमेनिंग टू मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप इस टर्मिनोलॉजी इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए खुद से करेंगे तो अगर हम देखें सबसे पहले दे वांट यू टू मेक प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 360 के प्राइम फैक्टर्स निकालने का कैलकुलेट करने का क्या तरीका है उसके लिए आप देखोगे थ्री सिक्सटी कौन से प्राइम फैक्टर्स से पहले डिवाइड होता है क्योंकि हम सबसे छोटे फैक्टर से स्टार्ट करते हैं जो कि टू होता है तो लेट सी के थ्री सिक्सटी से डिवाइड होता है कि नहीं So, as we know, 360 के में जीरो आ रहा है जिन नंबर है वो सब टू से डिवाइड हो सकते हैं कैलकुलेट करना है तो अगर आप इसको डिवाइड करके देखो आपके पास आंसर आएगा वन एटी सो बेसिकली वन एटी मल्टीप्लाई बाई टू इज थ्री एंड कर लिया इस तरह 360. अब हमने 180 को फैक्टराइज करना है प्राइम फैक्टराइज करना है अगेन टू से स्टार्ट करते हैं अगर टू से डिवाइड नहीं होगा फिर थ्री से चेक करेंगे बट यहां पर अगर हम देखें फिर से एंड में जीरो आ रहा है विच मीन्स ये भी टू से डिवाइड हो सकता है टू वर्ल्ड आर वन एटी टू नाइनटीज आर वन एटी तो ये आप डिवाइड करते जा रहे हो प्राइम फैक्टर्स से ठीक है जब आपके पास 90 आ जाता है फिर अब आपने इसको फिर से अगर फैक्टराइज करना है प्राइम फैक्टराइज करना है तो 90 के एंड में भी जीरो है दिस कैन आल्सो बी डिवाइडेड बाय टू, जवाब आ गया 45 इस तरीके से अब आप आ गए हो 45 तक आपने बताया है 182s जार 360 92s are 180 45 2 इज़ 90 एंड आपने 45 को फैक्टराइज करना है

45. इस तरीके से अब आपने काफी हद तक प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है 15 को हम फर्दर क्या 3 से 2 से 2 किस फाइव फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं वी कैन डिवाइड अगेन बाय 3 और आपके पास जवाब आ गया 5. यहां से आगे अब आप इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते 3 भी प्राइम फैक्टर है 5 भी प्राइम नंबर है ठीक है इस तरीके से अब आप इनको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते आपके पास आपका जो सोल्यूशन है प्राइम फैक्टराइजेशन का वो आ गया है उसके लिए हम लिखते हैं टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू विच इज क्यू दो दफा है ये हो गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर थ्री हंड्रेड एंड सिक्स यही चीज अगर हम दूसरे पार्ट के लिए करें सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स के लिए सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स जो है वो टू से डिवाइड नहीं हो सकता हमने स्टार्ट से ही करना था लेकिन क्योंकि टू से डिवाइड नहीं होता फिर हम थ्री से देखते हैं so, yes, 221 जो होता है, 663. अब हमने इसको फर्दर डिवाइड करना है तो आप देखते जाएं थ्री से हो रहा है फोर से हो रहा है थ्री से, से, so से हो रहा है फाइव से हो रहा है सेवन से हो रहा है या नहीं 11 से हो रहा है नहीं देन यू विल सी के 13 जो प्राइम फैक्टर है उससे होता है 13 17 221 यहाँ पर अब हमारे पास 17 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते सो आवर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 663 इज 3 13 17 ये हो गया हमारा जवाब इसके लिए दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इस तरीके से कर ली दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद द रिमेनिंग पार्ट्स जो बाकी पार्ट्स रह गए उनको भी इसी तरह सॉल्व करें और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू जो कि है आर को प्राइम्स अब ये जो टर्म है इसका हमने जिक्र पहले नहीं सुना को प्राइम्स क्या होते हैं को प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जिनका आपस में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो हो वन वन के अलावा दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो हम उनको को प्राइम्स नहीं कहेंगे तो को प्राइम क्या है ऐसे दो या उससे ज्यादा नंबर जिनका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है विच इज वन अगेन इसके लिए आपको उनके फैक्टर्स लिखने हैं और देखना है कि क्या उनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर्स हैं अगर हैं तो वो कोप्राइम्स नहीं है अगर सिर्फ वन उनमें सेम है तो इसका मतलब है, वो दोनों कोप्राइम्स हैं तो पहले अगर हम एग्जाम्पल देखें सिक्स एंड एट हमने सिक्स एंड एट के फैक्टर्स लिखे सिक्स के फैक्टर्स हैं वन टू थ्री और सिक्स एट के फैक्टर्स हैं वन टू फोर और एट ठीक है जब हमने इनको लिखा है तो हमने देखा है कि वन और टू दोनों इनमें कॉमन है इसका मतलब कॉमन फैक्टर के अलावा भी उनमें कुछ कॉमन है लिहाजा हम क्या कहेंगे ये दोनों numbers, नहीं हो सकते बट इफ यू लुक एट द सेकेंड पार्ट नाइन एंड सिक्सटीन तो आप देख सकते हो नाइन के फैक्टर्स है वन थ्री और नाइन सिक्सटीन के क्या फैक्टर्स है वन टू फोर एट सिक्सटीन इन दोनों में क्या कोई कॉमन फैक्टर है सिवाई वन के नहीं इनमें नहीं है जिसकी वजह से ये दोनों जो हैं दे आर को प्राइम्स ये कोप्राइम्स होंगे इस तरह जो तीन पार्ट्स रह गए उनको भी देखें उनके देखें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं अगर उनमें एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम्स नहीं है अगर नहीं है तो इसका मतलब है अगर सिर्फ वन उनका कॉमन फैक्टर है जिस तरह यहाँ पर नाइन एंड सिक्सटीन का है तो इसका मतलब है कि वो को प्राइम्स है क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइन दी एफ ऑफ अब आपको ना फैक्टराइजेशन के उसी तरह सिंबॉलिक फॉर्म में बता दिए कि नंबर्स क्या है आपने so है, है? बजाय इसके कि आप इनको पूरा सॉल्व करें नंबर को फाइंड आउट करें आप इन्हीं को अगर खोल के लिख लेंगे ना तो आप आसानी से इनके अंदर से अपना जो है, उसको तलाश कर सकते हैं आई मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह करना है इसको सॉल्व करने का एक बड़ा ही आसान तरीका है कि जो भी उन्हें आपको दिए हुए थे ना जैसे टू की पावर टू थी और थ्री की पावर टू थी तो हमने उनको ऊपर लिख लिया टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री पहला वाला जो नंबर था उसको हमने इस तरह लिख लिया दूसरा था टू की पावर टू तो टू मल्टीप्लाई बाई टू फिर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव इस तरह हमने तीसरा जो था थ्री स्क्वायर इंटू फाइव थ्री की पावर टू इंटू फाइव उसको भी लिख लिया अब इनमें करना यह कि जब आप इनको लिख लेते हो ना जो चीजें तीनों नंबर में कॉमन है ना उनको आपने सर्कल कर लेना है अगर आप दो नंबर का हिट से रहे हो तो उन दोनों में जो जो कॉमन होते हैं उनको और अगर आप तीन नंबर का निकाल रहे हो तो तीनों में जो जो कॉमन है उनको इन तीनों में सिर्फ थ्री जो है वो दो दफा कॉमन है बाकी टू एंड टू सिर्फ ऊपर वाले दो में नीचे में नहीं है और फाइव एंड फाइव सिर्फ नीचे वाले दो में है ऊपर वाले में नहीं है तो इससे क्या होगा अब जो थ्री आपके पास कॉमन था ना बेशक वो तीन दफा है आपने एक एक दफा उसको लिख लेना है सो so, आपका होगा एट सी एफ थ्री एक दफा एंड देन थ्री एक दफा फिर आपका जो आंसर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दैट इज योर एट सी एफ बहुत ही सिंपल तरीका है अगर कोई कंफ्यूजन एक दफा फिर से देखें आपने क्या किया है आपने सिंपली जो आपको नंबर्स दिए हुए थे उनको एक्सपैंड करके लिख दिया ठीक है सारों को एक एक लाइन में आप लिख लो फिर उनमें से जो तीनों में कॉमन है या दोनों में जो भी आपको अगर तीन नंबर यहाँ तीन नंबर कैलकुलेट करना है तीनों में जो भी नंबर कॉमन है उसको सर्कल कर लो लाइन उस पर ड्रॉ कर लो बेसिकली मार्क कर लो कि ये तीनों जो है, ये सेम है फॉर ऑल द थ्री फिर उनको तीनों को जब आपने सर्कल किया जिस चीज को आपने कॉमन को सर्कल किया है तीन दफा भी लिखी हुई है ना आपने उसको एक ही दफा लिखना है ठीक है तो थ्री अगर थ्री टाइम्स था वी रोट इट एज वन एंड देन थ्री क्योंकि कॉमन है ये तीनों में कॉमन है तो आपने एक एक दफा इसको पॉइंट आउट कर लिया फिर जो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है दैट वुड बी योर एच सी एफ इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया एंड नाउ वी कैन लुक एट क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन में भी HCF निकालने, लेकिन इस दफा आपने क्या करना है यू हैव टू फैक्टराइज इट एज वेल तो उन्होंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने का बोला है पहले उन्होंने आपको पहले से प्राइम फैक्टर्स दिए हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स वो आपको दे चुके हैं आपने उनको देखना है उनमें से कॉमन जितने फैक्टर्स हैं उनको सर्कल करना है और उनको निकालकर एच सी एफ निकालना लेकिन यहाँ पर आपने पहले नंबर्स के पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी उसके बाद कॉमन जो फैक्टर्स हैं उनको सर्कल करना होगा सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट वन यहाँ पर आपको कहा गया है 36 और 84 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए उसका तरीका यह है कि 36 के पहले आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया आप 36 को लिखो आप उसको डिवाइड करते जाओ ठीक है पहले आप करो टू से फैक्टर्स you इसी तरीके से निकालेंगे उनको यहां लिख लिया नेक्स्ट अब आपने कॉमन वालों को सर्कल कर लेना है सो so, अगर टू कॉमन था दोनों में सर्कल कर लिया यहाँ पर टू कॉमन है और थ्री कॉमन है ये दोनों जो हैं, दे आर नॉट कॉमन तो इनको हमने कर दिया ऐसे ही रहने दिया अब आपका जवाब किस तरह से आएगा जो कॉमन है उनको मल्टीप्लाई so, तो तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं पार्ट सिक्स में अगर आप देखो वन ट्वेंटी फाइव फोर सेवेंटी फाइव सिक्स फिफ्टी अब आपको तीन नंबर दिए हुए हैं अगेन तरीका क्या है पहले 125 के प्राइम फैक्टर्स निकालें, उसको ड्रॉ करें डिवाइड करें करते जाएं, आपके पास आएगा 5 इंटु 5, इंटु 5. फिर आपने 475 के जब ये तीनों के प्राइम फैक्टर्स आपने कैलकुलेट कर लिए उस डिविजन वाले मेथड से फिर इनमें से कॉमन वालों को सर्कल करें वॉट डू डू फाइव जो है वो दोनों में दो बार कॉमन है तो अगेन फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव जो है हमारा एच सी एफ होगा एंड दट इज ट्वेंटी तो इस तरीके से इन तीनों नंबर का भी एच सी एफ जो है हमने कैलकुलेट कर लिया डीजर समय की मदद से एच सी एफ निकालोगे डू दी अदर पार्ट इज वेल क्विकली गेट डन विद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ सो वी है क्वेश्चन नंबर फाइव एच सी एफ निकालना है बाई लॉन्ग डिविजन मेथड जो जो पहले हमने काम किया है सारा वो किस तरह से किया है प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस करके अब हमें डिविजिबिलिटी रूल्स प्रॉपर्टीज को यूज करना है और एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड तो इसका तरीके तरीका क्या है कि सबसे पहले आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हो दैट्स रूल नंबर 1 तो हमारे पास दो नंबर से पार्ट 2 में व्हिच आर 5445 एंड देन वी हैव 9317 आपने इनमें से जो बड़ा नंबर है उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड डिवाइड सो सो इफ यू लुक एट इट, जो जो था हमने 9, 3, 1, को उससे जब किया है वो जो है है है, वो उसके टेबल में फॉल नहीं करता वी विल जस्ट डू फिर आपको पता है, करना होता so जो रिमाइंडर होता है ना वो आपका फिर से डिवाइजर बन जाता है अगला डिवाइजर मेरा क्या है थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड से अब मैं अंदर किसको जो पहले मेरा था, ये वाला इट विल गो टू द नेक्स्ट तो पे मैंने इसको जब डिवाइड किया है अगेन तो अगेन थ्री थाउजेंड को मैंने वन से लिखकर दोबारा यहाँ लिख लिया एंड देन आई सब अगेन माइनस करने के बाद मेरे पास ये जवाब आया है वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी थ्री अब ये मेरा नया डिवाइडेड है और यहाँ पर मेरा जो डिवाइडेंट है वो कहाँ से आएगा यहाँ से शिफ्ट होगा टू द नेक्स्ट वन आई कैन टेक दिस डाउन हियर और यहाँ पर अब क्या होगा इनको जब मैं डिवाइड करूंगी तो आई गेट फिफ्टीन था वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर थ्री ये करने के बाद अगेन आई वुड सब्ट्रैक्ट

इवेंचुअली मेरा रिमाइंडर जो है वो जीरो हो जाता है एंड आई गेट अ नंबर दैट इज इक्वल टू जीरो तो जब भी मेरा रिमाइंडर जीरो आएगा जिस भी नंबर से वो क्या होगा वो होगा मेरा एच सी एफ तो जिस वजह से मेरा नंबर जो है रिमाइंडर जो है जीरो आया है वो है वन ट्वेंटी वन तो वो हाइस्ट कॉमन फैक्टर है किन दो नंबर का इन दो नंबर्स का 5445 और 9317 का जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट वो 121 है मैंने लॉन्ग डिविजन की है बाय बाय डिविडेंड और डिवाइजर को चेंज किया है एंड इवेंचुअली जब मेरा रिमाइंडर जो है वो जीरो आया है जिस नंबर पे वो जीरो आया है उसको मैंने अपना एच कह दिया ये तरीका है क्वेश्चन नंबर फाइव के सारे पार्ट को सॉल्व करने का एक एक करके जाएं तीनों जो आपके जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं उनको सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर फाइव को कम्प्लीट करें अब हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है अगले लेक्चर में हमने बाकी के जो तीन क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज के उनको सॉल्व करना है एंड देन विल डिस्कस कि एलसीएम क्या होता है So I'll see you in that lecture. Inshallah. Allah Hafiz.